हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आरोपियों की गिरफ्तारी व अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग। भीलीस्तान टाइगर सेना के नेतृत्व में एसटीएम को सौंपा ज्ञापन। नांदिया गांव के भीलीस्तान टाइगर सेना के नेतृत्व में अनुसूचित जनजाति के लोगों ने शुक्रवार को एसटीएम मृदुला शेखावत को ज्ञापन सौंपकर यहां स्थित पौराणिक मंदिर, आंगनबाड़ी केंद्र, मेघवाल समाज, शमशान भूमि के पास ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित केशरी सिंह बारहट एससी एसटी व बीपीएल आबादी कॉलोनी में अवैध कब्जा कर गैर कानूनी शराब, मटन व जुए खाने के होटल में कब्जा हटवाने व भीलों के घरों पर अपराधियों द्वारा जबरन कब्जा कर जानलेवा हमला व जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने वाले चार आरोपियों में से फरार दो आरोपियों को गिरफ्तार करने की गुहार लगाई है। उपखंड मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर नांदिया गांव की अनुसूचित जनजाति महिलाओं व पुरुषों ने एसडीएम शेखावत को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति व बीपीएल परिवारों के लिए केशरी सिंह बारहट के नामकरण से आबादी विस्तार कॉलोनी बचाई गई है। उसके पास मंदिर, मेघवाल समाज, शमशान घाट एवं पास ही आंगनबाड़ी केंद्र समेत कई सार्वजनिक स्थल स्थित हैं। इस पूरे क्षेत्र के बीचों बीच हमारे गांव के बदमाश कृष्णदान पुत्र पदमदान जाति चारण ने गौरव पद से सट कर अपनी अवैध शराब, जुए खाने व मटन की होटल खोल रखी है, जहां आए दिन यहां आने वाले अपराधियों व शराबियों द्वारा उत्पाद मचाया जाता है। वहीं आसपास गांव के बदमाशों का देर रात्रि तक होटल व आसपास बैठकर अपराध की वारदात को अंजाम देने की राजनीति बनाई जाती है और अवैध हथियारों के दम पर इसे अनैतिक कार्यों का अड्डा बनाया हुआ है, जो साधनों को रुकवा कर हफ्ता वसूली व आने जाने वाले लोगों के साथ झगड़े फसाद, महिलाओं से छेड़छाड़ व पवित्र सार्वजनिक स्थानों पर पकाए मटन की हड्डियों व खाली शराब की बोतलों को फेंक, इन सभी अपराधों का ये नित्य कार्य हो चुका है, जिसे पूरा गांव शर्मसार होने के साथ ही साथ हम सबकी स्थिति विकट हो गई है। ज्ञापन में आरोप लगाया है कि इन अनैतिक गतिविधियों को लेकर हमें आसपास शिकायत पत्र सौंप कर कार्रवाई की गुहार लगाई, जिस पर आपने तत्काल पुलिस को साथ में लेकर अवैध शराब बरामद करवा कर आरोपी को गिरफ्तार कराया था। लेकिन तत्कालीन पुलिस उप निरीक्षक सूरज मान सिंह रनावत की मिली भगत से वहां रखी भारी मात्रा में अवैध शराब, जिसे पूर्ण बरामद न कर महज 55 पवे अंग्रेजी शराब बरामद की, जिसके अगले ही दिन गुरुवार को आरोपी को जमानत मिल गई और इसने आते ही अपने कब्जे में रखी शराब को हटाकर ठिकाने लगा दिया, जो अब ग्राहकों की जरूरत अनुसार यहां लाकर शराब का अवैध कारोबार शुरू कर दिया है, जिसे हमें भील समाज एवं समस्त गांव वालों के लिए संकट की घड़ी बन गई है। वहीं इस क्षेत्र में घरों से निकलना महिलाओं के लिए मुश्किल हो रहा है। एसडीएम से आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। ज्ञापन में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं व पीड़ित परिवार ने एसडीएम मृदुला शेखावत को बताया कि इस अवैध कारोबार के अड्डे पर चार दिन पहले इसी आरोपी सरगना कृष्णदान के नेतृत्व में योजना बनाकर नांदिया निवासी इसके चार गुर्गो, जिसमें इसके सगे भाई जगदीश दान पुत्र पदम दान चारण, प्रदीप दान पुत्र सरेदान चारण, कलाराम पुत्र डाया राम कलबी व कैलाशपुरी पुत्र नरेशपुरी जाति गोस्वामी ने हमारे भील परिवार के जवारा राम, सोमा राम, मसरा राम पुत्र कासूराम के घरों पर अवैध कब्जा करने की बदनीयति से महिलाओं पर तेज गति से वाहन चलाकर व पिस्तल से जानलेवा हमला कर हमें जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया, जिसकी हमने मौका मुआयना करने और पुलिस टीम को रिपोर्ट दे दी थी, मगर दो नामजद आरोपी व ये सरगना कृष्ण दान अभी फरार है और जब तक ये अपराधी बाहर है हमें जान माल का खतरा रहेगा। इस दरमियान हमारे साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। उल्लेखनीय है कि बागोड़ा पुलिस ने गुरुवार को प्रातः एसडीएम की उपस्थिति में नांदिया गांव में मान मनवार होटल में दबिश देकर अंग्रेजी शराब के 55 पवे बरामद कर आरोपी कृष्णदान पुत्र पदमदान चारण को आबकारी एक्ट में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था, जिसको भीनमाल न्यायालय में पेश करने पर जमानत पर रिहा किया गया है। वहीं नव पदस्थापित उप निरीक्षक शिवराज सिंह भाटी ने प्रदीप दान पुत्र सरेदान के कब्जे से अवैध पिस्तल बरामद कर आरोपी को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार करने के साथ ही बलेनो कार जब्त की थी। आरोपी एक दिन के रिमांड पर होने से शुक्रवार को भीनमाल न्यायालय में पेश किया, जिसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहीं नांदिया निवासी कैलाशपुरी उर्फ केलपुरी गोस्वामी को पुलिस ने गुरुवार को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसे जमानत मिलने पर पुनः अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम में वांछित नांदिया प्रकरण में गिरफ्तार किया गया। जागरूक टीवी के लिए बागौड़ा से रिटमल दान राव की रिपोर्ट।